Man,
Sazimana, 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 Sazimana,
कुटुंब परिवार करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए श्यामा तू राधे
तू राधे ते गोपाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। माखन की मटकी होवे छिक्के उत्ते लटकी होवे, माखन की मटकी होवे छिक्के उत्ते लटकी होवे। माखन तू खावे तू खावे ते निहाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। हरी हरी मेहंदी होवे बिच बागां दे रहंदी होवे, हरी हरी मेहंदी होवे बिच बागां दे रहंदी होवे। मेहंदी तू लावे रंग लाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। जमुना जी दा पानी होवे बिच मछली सुहानी होवे, जमुना जी दा पानी होवे बिच मछली सुहानी होवे। श्यामा तू मछली तेरा जाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। हरे बांस की पोरी होवे बिच बिच उस दे मोरी होवे, हरे बांस दी पोरी होवे बिच बिच उस दे मोरी होवे। श्यामा तू बंसी तेरा राग होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। हरी हरी घास होवे उत्ते पेंदी रास होवे, हरी हरी घास होवे उत्ते पेंदी रास होवे। श्यामा तू नचे ते निहाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। हरदम तेरे नाल होवां मैं, हरदम तेरे नाल होवां मैं। सदानंद स्वामी महाराज की जय। जोई मूर्ति मनोहर तारी, महाभारी मारा नेड़ा लोभाड़ा। जोई मूर्ति मनोहर तारी, महाभारी मारा नेड़ा लोभाड़ा। मोड़ीड़ा पर नवन कलंगी, मोड़ीड़ा ऊपर
नवना कलंगी शोभे छे अति सारी मावारे मारा नैना लोभारा जोई मूर्ति मनोहर तारी मावारे मारा नैना लोभारा हेत करीने हैडानियूपर हेत करीने हैडानियूपर माड़ा मोतीडानी धारी मावारे मारा नेड़ा लोभाड़ा जोई मूर्ति मनोहर तारी मावारे मारा नेड़ा लोभाड़ा अतिरे शोभे छे छाती उपड़ती अतिरे शोभे छे छाती उपड़ती चाल जगत थी न्यारी मावारे मारा नेड़ा लुभाड़ा जोई मूर्ति मनोहर तारी मावारे मारा नेड़ा लुभाड़ा ब्रह्मानंद कहे अच्छा ऊपर ब्रह्मानंद कहे अच्छा ऊपर सर्वस्व नाखु वारी मावारे मारा नेड़ा लोभाड़ा जोई मूर्ति मनोहर तारी मावारे मारा नेड़ा लोभाड़ा स्वामी महाराज की जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सदगुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी ने वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रख कर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझ कर वैसा वर्तना। स्वामी निवातु प्रकरण तेरा बात तीसरी। स्वामी नारायण हरे। स्वामी बात करीजे। नक्की ठराव करीने खाण नाखी छे ते कोई आपत्काले काम आवे तेम मोटा थकी समझण करी होय ते देशकाळे काम आवे।
आ साधु कहे तेम करूं, ये सबसे बड़ी बात है। नारायण स्वामी कहते हैं संत कहें वैसे करा, ज़्यादा भी नहीं करना कम भी नहीं करना, उनकी आज्ञा मैंने ना उसमें सुख है, उसमें कोई विघ्न नहीं। आसन पथारी खाऊ सर्वे कहे तेम करते, मुझे कहाँ सोना, कहाँ बैठना, किसी संगत में रहना, वो भी बड़े संत के पूछ के करना। बे जन गुरु शिष्य फरवा गया ते बगाड़ थयो, माटे फरवा जाऊ ते पण कहे तेनी भेळू जाऊ, फरवा विचरण में जाना और पूछ के जाना कि मैं किसके साथ जाऊं। नीति विना तो जेम भैंस लीधा मोर बायड़ी ने मारी ने बगला देखी घोड़ा मारी नाख्या, तेम कोई बात विचारी ने कहवी ने बोलवी, पण गुह्य वार्ता प्रकाश न करवी। किसी की सीक्रेट हो, खानगी बात तुम्हें करी हो तो और किसी को नहीं कहनी। ने पोतानी प्रकृति नो अभाव न आवे ने संत नो अभाव आवे, हमें अपनी स्वभाव का अभाव नहीं आता है, उसको तो मानते मैं तो बहुत अच्छा हूँ। साधु का अभाव आता है, गुरु का भी आ जाता है, कभी इरिटेशन हो जाता है। सुमति कुमति धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान खरता सर्वे संग माथी आवे छे। सुमति यानी सद्बुद्धि, कुमति मति की भ्रष्टता, फिर ज्ञान खरता धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान धर्म और अधर्म वो सब संगत से होता है, जैसे संगत में रहो वैसा होगा। ने ज्यां विषय आव्या धन आव्यू स्त्री आवी के मान आव्यू मान आया त्यां कथा वार्ता न थवा दे, न थवा उसी में से ही बाहर नहीं आया, धन के इधर उधर रखने करने संभालने करने में कोई ले न जाए चोरी न कर जाए उसकी तकेदारी रखने में मन लगा रहेगा, कैसे खर्चना करना उसी में लगा रहेगा, स्त्री क्लेशी कराएगी। त्या कथा वार्ता न थवा दे ने जीव बगड़ी जाए, इसी में से बाहर नहीं आएंगे तो कथा वार्ता बंदर जाना वो कब कैसे कर पाएंगे, और नहीं होगा ये तो जीव की मति मन की मति बिफर जाएगी बिगड़ जाएगी। ने जेम घायल होए तेनो एकांते खाटलो होए त्यारे घा रुझाए, तेम विषय नो संबंध न थवा दे त्यारे जीव सारो रहे। इसलिए महाराज ने मर्यादा ही रख दी कि हमें पंच विषय से दूर ही रख दी। नियम में रहेंगे उसको हर्जा नहीं आएगा, नियम से बाहर कोई आज्ञा से बाहर जाएगा परेशान रहेगा, क्लेश आएगा, विघ्न आएगा। ने गोवाली करे छे त्यारे ढोर घेर आवे छे, ने अमारे तो केटलोक त्याग रखावो
કેટલાક ને વારવા પડે. સબુ મે રહેવે તો સબકે સાથ સબકે સરીકે હોકે રહેવે. ને કેટલાક ને રોટલા ખવડાવવા પડે, ને કેટલાક ને સંકોચ રખાવ્યો જોઈએ. સંકોચ માનો બે જ્યાદા મત ખાઓ કેના પડતા હે ઉસકો. માટે જતન વિના સત્સંગ રહે નહીં. ઇસલિયે બડે સંતો ઇનકો છોટો કા જતન કરના, પરવરિશ કરની, છોટો પે નિગાહ નહીં રખની. ને મોટે રોગ હોય તે વિચાર્યા વિના ફરવા મેલે તેમાં અસમાસ થાય. અસમાસ થાય બડા સંતો પહેલે મહારાજ વિચરણ મેં સંતો કો ભેજતે થે और कहते थे बड़े मंदिर में जो महंत हो वो डिसाइड कर ले. महंत विचार सोचे बिना इधर उधर ऐसे अड़बंगे जैसे साधु को भेजे तो फिर वो गांव में जाके इधर उधर मांगते फिरे तो समाज नहीं होगा, लोगों को गुण नहीं आएगा. ये संत तो मांगते ही रहते हैं. માટે બુદ્ધિ જોઈએ. વળી બ્રાહ્મણનો ઋષિનો પણ અંત ન લેવો, ને અંત લે તો દુઃખ થાય. બ્રાહ્મણ ઋષિ ઓર નદી ઇસકા અંત નહીં લેના. વાત ચોથી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી એ વાત કરી છે, ચાર વાતે વૃદ્ધિ પમાય છે. એક તો પાછી વૃત્તિ વાળીને જાણપણે વર્તવું, અપની પાછી વૃત્તિ અપને દોષ કા ખ્યાલ રખ કરકે સાવધાની સે બરતે, અને બીજું કોઈ અલ્પ જેવો હોય ને ભગવાનનો અલ્પ આશરો જ હોય ને એકાંતિકનો પણ ધ્રો ન કરતો હોય. ભગવદી હોય, ભગવદી હો કે किसी भगत का ध्रोह ना करे, भगत को पहचाने. तो तेनो पण दोष ना लेवो, उसका अवगुण नहीं देना, उसकी टीका चर्चा नहीं करना, उसके प्रति अरुचि नहीं रखना, उसका अभाव नहीं लेना. ये तो ऐसा है, भगत है ना बस, निर्दोष बुद्धि और उसके साथ सूरत भाव. ને દોષ ન લઈએ ને કોઈનો દોષ ન જુએ ત્યારે પ્રથમ કયું જે જાણપણું તે રહેવા માંડે. કિસી કા દોષ નહીં દેખેંગે તો ફિર અપના ખ્યાલ મેં આયેગા ઓર વૃદ્ધિ પાયેંગે. અપની દોષ કો હમ પકડ પાયેંગે. તે માટે બધાનો મહિમા સમજવો, પણ વચને કરીને કોઈને દુખાવવો નહીં. કિસકો કટાક્ષ નહીં કરના, ટોને નહીં મારના, કિસી કે સાથ ઊંચી આવાજ સે બોલના નહીં, દુખાના નહીં, ડાંટના નહીં, ખડકાના નહીં. નિસંગ કુસંગ જાણ્યાને અર્થે પ્રથમ એ વાત જરા તરા શીખવી. બસ ખાલી એક અપની સમજ કે લીએ કે ઇસકે સંગ બેઠના ચાહીએ, ક્યોંકિ ઇસસે મહિમા કી બાતે કરતા હૈ, ભક્તો કી ઇધર ઉધર કી બાતે નહીં કરતા હૈ. યે એસા કર રહે હૈ, મતલબ ઉસકી ભી ટીકા ચર્ચા બાદ મેં હમે નહીં કરની. યે એસા હૈ, ઇસકે પાસ મત હમે કહેને કી જરૂરત નહીં. હા પણ જેમ કમાન વાળીને કાલબૂટ કાઢી નાખે છે તેમ એ વાત પ્રથમ જાણી મૂકવી. પણ તેનું આલોચન કે કથન ન કરવું. આલોચન ઉસકા મનન ચિંતન, એ તો એસા હૈ એસા એસા, યા
उसकी बातों की चर्चा नहीं करनी, कथन ना करना मतलब चर्चा नहीं करनी, कहनी करनी नहीं। माटी बात तो खचित पड़े निरंतर संभाले, चौकस ये बात पक्की समझ के रख, पर भूल भी नहीं। અને ત્રીજું, એવી રૂચિવાળો ભક્ત હોય, તેની સાથે બેઠક ઉઠક હોય ને તેની જોડે ગોષ્ઠી હોય, એસે નિર્દોષ બુદ્ધિ વાલે સુરત ભાવ ભક્તો મેં રખને વાલે ભક્તો કે સાથ બેઠક ઉઠક રખની, હા ઉસકી સંગત મેં રહેના, હા તો વૃદ્ધિ પમાય, તો વૃદ્ધિ પામે ભગવદી કે સંગ મહિમા, મહિમા સમજને કા સાધન તો भगवती का प्रसंग है, भगवती का संग है। नित्य ने संग कही है। अने चौथो, कोई नो अवगुण होए ते अपना जीव मा इंद्रिय द्वारे प्रवेश न करे, माटे तेनो भलो गुण ते शिखो। कान से किसी का अवगुण न सुने, इंद्रिय द्वारे प्रवेश न करे, कान से किसी का अवगुण न सुने, किसी की बात चर्चा बोले करे नहीं। पण राशि गुण होए ते शब्द द्वारे अपना हृदय में न उतरे, बस हो गया चलो।